सो फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई माई गोल्ड कॉफी और बताती हूँ ये 24 कैरेट गोल्ड कॉफी का टेस्ट कैसा है। पहले मैं गोल्ड जरा टेस्ट कर लूँ, गोल्ड होता कैसा है। वैसे है नहीं पहनने के लिए, लेकिन देखो शोशे पूरे करने हमें। अपने बर्थडे पे गोल्ड खा लिया। चैनल आज है मेरी बेबी का बर्थडे और हम लोग थोड़ा आराम से उठे हैं, टाइम लेके थोड़ा रिलैक्स होके, और मैं बना रहा हूँ अपनी बेबी के लिए बर्थडे कॉफी। कॉफी बना के उसको उठाता हूँ और विश करता हूँ आप लोगों के साथ। कॉफी तैयार है, बीबी को उठा देते हैं। हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पजामा पकड़ के बैठे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरी बेबी का बर्थडे है, आज मनेगा दुबई में बर्थडे। कॉफी आ गई, चलो उधर रख दी। 6:30 बजे उठी थी तो उठने के लिए। तुम्हारा बर्थडे है ना, बर्थडे पे कोई 6:30 बजे उठता है? मेरे बेबी के बर्थडे पे इस साल मेरी बेबी की सारी विश पूरी होंगी, सारी जो कभी नहीं हुई वो इस साल हो जाएंगी। Cheers for my baby's birthday. Yeah. कैसी बनी है? And love to my coco, cherry, candy, chun chun. मम्मा के पास नहीं है लेकिन सब घर पे है। सब मम्मा को बर्थडे मना रहे। तो जी हम लोग तैयार होके एकदम निकल चुके हैं अपने बेबी के बर्थडे पे, और आज ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि थोड़ा बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था हम लोगों ने, इसलिए ब्रेकफास्ट का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा आज कम ब्लॉगिंग करेंगे क्योंकि थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करना है। बहुत मज़ा आया आज अकेले, मतलब हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब, ब्लॉग नहीं कर रहे थे, तो एक आध दिन ऐसे होने चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा थोड़ी आज ब्लॉगिंग अगर कम हो जाए तो। लेकिन आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत ये टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और मैं दिखा देता हूँ मेरी बेबी क्या तैयार हुई आज, और उसके बाद हम निकलेंगे पहले पड़ाव के लिए जो कि बेबी को नहीं पता है, पहला सरप्राइज। ओह माय गॉड, द बिजनेस वुमन इन द टाउन। मुझे खुद पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। बाय द वे मैं तैयार हो गई हूँ, जस्ट कंफर्टेबल। अभी तो जूते भी पहने हुए हैं, इसके बाद जूते भी उतर जाएंगे, चप्पल में ही दिखूंगी आपको मैं, क्योंकि आई वांट बी कंफर्टेबल। भाई ये फैशन फूशन गया तेल लेने, वैसे नहीं होता हाँ। लेकिन अभी जाके सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाल वाल बनवा लूँ। हाँ, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, वेरी स्मार्ट। एक्चुअली इतने दिन से बैग ब्लैक 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 था, ये आपने बैग देखा होगा, मुझे मैंने ऐसे ही लोखंड वाला से लिया था, कोई ब्रांड नहीं है ये, लेकिन आई लाइक दिस बैग, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कर लिया। बट ये कंफर्टेबल मेरे को बहुत ज्यादा है जो मैंने पहना हुआ है, और ये भी मैंने अभी शॉपिंग करी थी, ये भी आपने देखा ही था, आई थिंक मैंने शॉपिंग में दिखाया भी था। एंड मोर देन एनीथिंग आई जस्ट वांटेड टू बी कंफर्टेबल आज के दिन, रोज ही चाहिए कंफर्ट तो, लेकिन आज स्पेशली मैं कुछ भी आज बहुत ज्यादा वो हल्ला नहीं मचाऊंगी, जस्ट वांट टू बी यू नो, आई जस्ट वांट टू हैव अ रिलैक्स्ड डे, है ना बेबी? यस। तो जी आपको जो बैग दिख रहा है पीछे, इस बैग में चप्पलें लेके घूम रहे हैं साथ में। थोड़ा सा बेबी का फोटो सेशन हो जाए यहाँ पे, तब तक हमारी कैब भी आ जाएगी। गाड़ी हमारी आ गई है और हम लोग अब जा रहे हैं। अभी पूछती हूँ कहाँ, मैं ना इस चीज का स्ट्रेस आज लेना ही नहीं चाह रही कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, जस्ट वांट टू रिलैक्स। भी पकड़ना तो ये सबसे पहली चीज जो मुझे नहीं पता था, अविनाश ने फुट स्पा कुछ फुट मसाज वगैरह बुक किया हुआ है, तो वो अभी अविनाश अंदर जा रहा है, मैं नहीं करा सकती हूँ क्योंकि अविनाश को समझ नहीं आ रहा था जी। अविनाश ने मेरे लिए फुट मसाज बुक करी थी, मुझे लगता है अपने लिए खुद के लिए की थी क्योंकि मैं तो करा नहीं सकती, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो फुट मसाज मैंने कराई। मैंने सोचा बगल में एक सलोन है वहाँ से मैं अपने बाल भी वॉश करा लेती हूँ और थोड़े से बाल आयरनिंग भी करा लेती हूँ, तो फिलहाल का प्रोग्राम ये है, नेक्स्ट क्या है मुझे कुछ पता नहीं। तो जी मेरी फुट मसाज हो गई है, अद्भुतम अद्भुताज फुट मसाज थी। अब मुझे ढूंढना है संभावना को कि वो कौन से सलोन में है,
अभी कॉल करता हूँ उसको और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो जी मेरे बेबी के बाल बन गए हैं, मेरी मसाज हो गई है पैरों की, अब हम लोग निकल रहे हैं। आदमी अपने लिए कराया था, मैं कहता मेरे बर्थडे के लिए इसने प्लान किया, ये प्लान था बेबी तुम्हारे लिए किया था, अब तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। सरप्राइज़ ये वाला देखो काइंड ऑफ मुझे पता तो था ही कि ये तो डेफिनेटली होना ही है, ये मेरी विश लिस्ट थी, अविनाश को पता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था नहीं मेरे लिए, मुझे मालूम है कि यहाँ तो मुझे आना ही था, अगर ये नहीं भी लाता ना तो मेरे को आना था यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जो खास बात है जिसके लिए मैं आई हूँ वो है गोल्ड कॉफी। तुम आई हो कि लाई गई हो? मतलब मैं लाई गई हूँ, लेकिन अगर ये नहीं मिलाता तो भी मैं आती, बट द बेस्ट थिंग इज कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सो कॉफी तो मैं पीती थी, आज मैं गोल्ड कॉफी पीऊंगी। सो लेट्स सी गोल्ड कॉफी कैसी होती है यहाँ की। तो तुम किस तरीके का सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे से कि मतलब मैं नंगा होकर दौड़ूं दुबई की सड़कों पे? नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मतलब अच्छा लगा मुझे ये सरप्राइज। अभी भी चिल्लाता हूँ दौड़ूं सड़कों पे, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये करना तो था ही ना, मैं ये कह रही हूँ मुझे अच्छा लगा ये, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, मतलब मुझे पता था आज नहीं तो कल यहाँ पे आना है, ठीक है। अब इसको तुमने सरप्राइज में तब्दील कर दिया, ठीक है, ज्यादा बनाऊंगा तो अपने आप को, ठीक है। शाम को भी बचा है कुछ, शाम को है कुछ वो बताओ ना, वो बताऊं क्यों, सरप्राइज है ना। हाँ वो सरप्राइज है ना, तो ठीक है, वो वाला मेरे को बिल्कुल पता नहीं, लेकिन अगर ये भी मुझे नहीं पता था कि आज ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आए हम लोग बाहर से अंदर को मुझे समझ में आ गया कि क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू ट्राई गोल्ड कॉफी और बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे कि क्या टेस्ट होता है, ऐसा क्या अलग है। All right, so this is my gold coffee. This is how many carats? This is 24 carat. 24 carat. So this is 24 carat gold coffee. Wow, this is the best thing that is happening on my birthday. And मैं baby को thank you तो बोलूँगी, क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन जो मेरे दिल की इच्छा हो वो उस दिन पूरी हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है baby. और इतनी महंगी है कि एक ही मंगाइए उसी में से पीएंगे. फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई माई गोल्ड कॉफी और बताती हूँ ये 24 कैरेट गोल्ड कॉफी का टेस्ट कैसा है। पहले मैं गोल्ड जरा टेस्ट कर लूँ, गोल्ड होता कैसा है। वैसे है नहीं पहनने के लिए, लेकिन देखो शोशे पूरे करने हमें। देखो दोस्तों ये ना, ये मतलब पतली लेयर है, पतली लेयर। अपने बर्थडे पे गोल्ड खा रही है औरत, कैसा है गोल्ड का टेस्ट? टेस्ट तो कुछ भी नहीं है बेबी, एक बार देख लेती हूँ शायद मेरे कॉफी के साथ पियो ना बेबी। गोल्ड का तो पहले टेस्ट ले लूँ, सच्ची बताऊँ तो गोल्ड का कोई टेस्ट नहीं है, मैं कॉफी के साथ पी के देखती हूँ, मे बी इज डिफरेंट। कॉफी तो कॉफी होगी, उसके ऊपर गोल्ड की परत है और क्या, चोंचले हैं अमीरों के बस, और क्या, जितनी मर्जी बना लो इसके ऊपर हीरा डाल दो, कप हीरे का कर दो। तो बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि गोल्ड कॉफी का टेस्ट क्या है, सिर्फ कॉफी का टेस्ट है, जो ऊपर गोल्ड की लेयर है उसका कोई टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आप अपने आप को खुशी दे रहे हो कि अपने बर्थडे पे आप गोल्ड कॉफी पी रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट मैं ये जरूर कहूँगी कि हाँ इट लुक्स डिफरेंट, मज़ा आ रहा है कि आपके बर्थडे पे आपको थोड़ा सा मतलब कुछ अलग कुछ करने के लिए मिल रहा है, दैट्स इट। इफ यू आस्क मी कि गोल्ड का क्या टेस्ट है बेबी, तुम जरा टेस्ट करके बताओ। क्या लगा? सोना खा गया बेबी। कितनी शर्म की बात है। ठीक है देखो, मतलब मेरे को कॉफी में भी ऐसा कुछ अलग वो नहीं लगा कि मतलब अपना शौक पूरा करो, इट्स जस्ट द कॉफी इज गुड। कॉफी पे गोल्ड की परत, उसी का पैसा है, और जो कॉफी तो कॉफी है, कहते हैं लोग भाई कितना भी अमीर हो जाओगे सोना थोड़ी खाओगे, खाना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है एक बार करने के लिए मतलब कुछ ट्रायल करने के लिए अच्छा है, बट आई विल स्टिक टू माई नॉर्मल ब्लैक कॉफी, इट्स नाइस, इट्स नाइस, देयर इज नो गोल्ड का टेस्ट, देयर इज नो अदर गोल्ड का टेस्ट इन इट। बस इससे अच्छा तो एक तारी बना के दे देते मुझे गोल्ड की, पहन के तो घूमती। तो जी दोस्तों कुछ नहीं है, बस जीवन में हर चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए, अगर कर पाए तो दोबारा नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ें ट्राई, एक बार कर लिया, जयराम जी की।
बस अब हम भाई अपनी खरीद लो वहाँ से नेस्कैफे और बनाएंगे जाके होटल में। इसके बाद निकलते हैं बैकुंठ की यात्रा के लिए। तो जी अभी हम लोग आ गए लंच के लिए बुर्ज खलीफा के पास ही। तो रात में तो आपने देख ही लिया था, एक बार दिन में भी देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनली हम लोग दुबई मॉल की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे हमें कल डिनर किया था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज कहीं और करेंगे। और गोल्ड कॉफ़ी पी के तो ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड में अपने मुंह पे चिपका लेती, कम से कम अलग तो दिखती बर्थडे वाले दिन। गोल्ड पी के आ गई बताओ, इससे अच्छा मुंह पे चिपकाती थोड़ा अलग भी दिखता, थोड़ा गोल्ड बच भी जाता। लेकिन जैसा भी है, इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं भी कैसा लगा मेरे को गोल्ड कॉफ़ी पिला के? मुझे कैसा लगा, तुम्हें पीनी थी? पी गई ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो बस अपना बटुआ हल्का लग रहा है बहुत। अभी और हल्का करेंगे ना बेबी, तुम्हें पूरा हल्का करके भेजूंगी मैं, फिक्र मत करो। कहाँ जा रहे हो? पिज्जा खिला दो। गोल्ड पिज्जा? गोल्ड पिज्जा है तो जी, क्योंकि मेरी बेबी को इटालियन पसंद है, इसलिए हम लोग आ गए हैं इटालियन रेस्टोरेंट में लंच करने। हालांकि मुझे इटालियन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बर्थडे तो बेबी का है तो बेबी की सुनी जाएगी। पिज्जा मैं पास्ता खाऊंगा। पास्ता और करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो जी ये आ गया हमारा पिज्जा, ये आ गया हमारा पास्ता, और ये आ गई हमारी डाइट पेप्सी जो कि हम लोग पहले पी चुके हैं। एक और मंगा लेते हैं डाइट पेप्सी। नहीं हाँ। तो जी कमाल का लजीज पास्ता पिज्जा खा के मेरे बेबी और मैं निकल चुके हैं। अब बारी है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा। अब बेबी के अगले सरप्राइज के लिए निकल गए हैं, लेकिन चक्कर ये, वो जो सरप्राइज मुझे देना है ना, उसके लिए मुझे ब्लाइंड फोल्ड चाहिए, और वो मैं लाना भूल गया। oh, no. और मैं नहीं चाहता ये पहले सरप्राइज, ऐसा क्या है, क्या कर रहे हो? क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड, क्योंकि ईमानदारी से इसको बोलूंगा आंख बंद कर ले, करेगी नहीं। मैं कर दूंगी, मैं भरोसा नहीं करता, झूठी वाला। मेरे बेबी का बर्थडे है, सरप्राइज मिलेगा। मुझे लग रहा है सरप्राइज से ज्यादा शॉक ना मिल जाए। नहीं नहीं, अच्छा सरप्राइज मिलेगा, डोंट वरी। जा कहाँ रहे हो? वही तो सरप्राइज है ना, आंख बंद रखनी है, चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो बर्थडे आज ही है, कल तो मार ही सकता हूँ मैं। तो जी जहाँ आना था वहाँ से थोड़ी दूर है हम, और यहाँ पे शायद हमको ब्लाइंड फोल्ड मिल जाएगा, स्कार्फ। बताओ, लड़की के लिए सरप्राइज है, अपने लिए खुद ही ब्लाइंड फोल्ड खरीद रही है कि उसे सरप्राइज चाहिए अच्छे से। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, 3-4 लाख का ना हो, पता चला जितने का सरप्राइज भी उतने का ये खरीद लिया। ये पैसा खर्च करने के बाद वो बोल रहे जो अभी 24 कैरेट गोल्ड कॉफी पी जाइए। वो मतलब एक एक्सपीरियंस था। आई लाइक दिस बैग। नहीं नहीं बैग नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। वो स्कार्फ जैसा भी नहीं ना, वो वुलन वो है। क्या वुलन सा है, मेरी आंखें चटक जाएंगी। मैं आंखें बंद करूंगी, नहीं चीटिंग कर रही है ऐसा, तुमने पता नहीं क्या ही खास कर रहा है। बेबी हमें एक रेस्टोरेंट ढूंढना है यहाँ पे, जिसका नाम है वागा मामा। हाँ वही मैं कहूँ, बाबा मामा। बाबा तुम तो मुझे बुलवा दो यार, और वहाँ से एक रास्ता निकलता है खुफिया। उस खुफिया रास्ते से हम जाएंगे सरप्राइज की ओर। ओ मेरे को कॉफी मिल जाएगी ना वहाँ पे थोड़ी, ये भी नहीं बताएंगे। ओ हेलो, हाय पैट्रिक, अविनाश दिस साइड, अविनाश दिस साइड, आर यू पैट्रिक? ओ आई एम सो सॉरी पीटर, या आई एम सो सॉरी पीटर, आई हैव रीच्ड वागा मामा। चला है जिससे बात करनी है, उसका नाम ही नहीं पता। अरे जिससे सरप्राइज सेट कराया उसका नाम में भूल गया, ऑफेंड हो गया वो। ब्रो आई एम पीटर नॉट पैट्रिक, पहले ही सरप्राइज खराब पता चला। कितनी क्यूट बच्ची है, कितने चला गुस्से में केक फेंक दे उठा के। केक भी है, केक है क्या? तुम उधर ही देखती रहो, आंख बंद कर लो। कहाँ देखो? हाँ वही देखो, अपना फोन दे दो मेरे को, पलटो मेरी तरफ। हाँ आंख बंद कर लो, मेरी तरफ पलटो। चलो बेबी अगर तुमने आंख खोली मैं ऐसे, मैं कसम खा रही हूँ, लेकिन मेरे को गिरा मत देना। नहीं नहीं मैं नहीं गिराऊंगा, मैं स्टेप बताऊंगा धीरे 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 धीरे। तो यही चीज पे मेरे को डर लगता है, एक तो मेरे को लगी हुई है टांग में ऊपर से। बेबी नहीं गिरोगी, मैं चल रहा हूँ, आ गया अभी, आंख खोल ले दो। नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, एक कदम और, एक कदम बस, अब सीढ़ी आएगी। हाँ वेरी गुड, इतना गलत बताया बेबी तुमने, अभी तक मैं नीचे उतर। चलो 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 अभी एक और सीढ़ी। यस यस एक और सीढ़ी। जैकेट पहनी है? जैकेट क्यों पहनूंगा मैं? तो जैकेट डाल देते ना मेरे ऊपर, जैकेट डाल दे, तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं लगता कि कोई चोर पकड़ा है? आ, बेबी तुमने बताया नहीं सीढ़ी है बेबी, बोल तो रहा हूँ। आओ बेबी, ये तुमने बताया मेरे को सीढ़ी है? हाँ बेबी तीन सीढ़ी है, इसके बाद नहीं है। तुम बेसिकली मेरे को गिराना चाह रहे हो और कुछ नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, मेरी तरफ फेस कर लो, आँख खोल लो, चलो उल्टा, तुम सीधे ही चल लो उल्टा भी अगर ऐसे ही चल रही हो तो। चलो करो ना,
मेरी तरफ देखती रहो, मेरी तरफ देखती रहो, हाँ उधर ही देखती रहो, इधर मत देखना। एक तो ना इसीलिए मैं कह रहा था ब्लाइंड फोल्ड ले, इतनी चोर औरत है ना, आग बंद करूं। हाँ क्योंकि तुम्हारा मैं सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती। हाँ चलो बंद रखो, क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं देखो तुम्हारे ऊपर चल रही हूँ, अगर मैं गिरी। हाँ बिल्कुल नहीं गिरोगी, कोई सीढ़ी बीढ़ी नहीं है। तो आज ना बर्थडे जो होगा ना, हाँ आगे हल्की सी ठोकर आएगी तो थोड़ा सा पैर ऊपर कर लो, ज्यादा नहीं थोड़ा। हाँ बस यही फ्लोर चेंज हो रहा है। पीटर Where are you, Peter? Give me your अच्छा रुको, इधर घूमो। हाँ सीढ़ी आएगी छोटी सी। हाँ किसी ने मुझे हाथ दिया क्या? हाँ पीटर ने। पीटर थैंक यू। पीटर इनसाइड। ओके पीटर नहीं है। ओके कीप वॉकिंग, आई कीप वॉकिंग नॉर्मल। कहाँ जा रहे हैं बेबी बता दो यार, ये सरप्राइज से ज्यादा मेरे को मतलब डर लग रहा है। ढलान है तो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे, ज्यादा ढलान आएगी थोड़ी सी। हाँ ढलान खत्म। अभी इधर से कैसे जाओगी यार? चलो आंख खोल लो, खोलो आओ।